Capital. दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में अगले साल आने वाली और जिसका वेट हर कोई कर रहा है उस पुष्पा 2 मूवी के जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाले हैं। साथ ही बताएंगे इसकी शूटिंग लोकेशन यानी कि कहां पर ये असल में शूट हो रही है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा एक्शन मूवीज की शूटिंग कैसे की जाती है। सिर्फ पुष्पा 2 ही आगे आने वाली एक ऐसी मूवी है जो जवान के बनाए हुए अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने का दम रखती है। आप मानो या ना मानो लेकिन रॉकी भाई के KGF चैप्टर 2 से भी ज्यादा हाइप पुष्पा भाव के पुष्पा पार्ट 2 की है। इसी हाइप को देखते हुए कुछ ही दिनों पहले इंस्टाग्राम ऑफिशियल्स ने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन को कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया था, जिसमें उनको अपने डेली रूटीन का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना था। उस वीडियो में पुष्पा पार्ट 2 के कुछ बिहाइंड द सीन्स भी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अल्लू अर्जुन इंडिया के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने डायरेक्टली इंस्टाग्राम से कोलैबोरेट किया है। पुष्पा पार्ट 2 की पूरी शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में बड़े बड़े सेट्स लगाकर की जा रही है। वहीं पर पार्ट 1 की भी शूटिंग हुई थी, लेकिन इस बार लेवल काफी हाई है। अल्लू अर्जुन लोकेशंस पर पहुंचते ही पहले उनके वैनिटी वैन में जाकर रेडी होते हैं, जहां उनके चेहरे पर मेकअप से निशान बनाया जाता है। पुष्पा राज के लुक में रेडी होकर फिर वो शॉट के लिए सेट पर आते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि कैसे डायरेक्टर सुकुमार जी अल्लू अर्जुन और बाकी कास्ट एंड क्रू को सीन समझा रहे हैं। उस सीन में पुष्पा तेजी से रॉयल एनफील्ड पर एक लाल चंदन की लकड़ियों के गोदाम में आता है। उसके साथ उसका दोस्त केशव भी है और वो तेलुगु में कुछ डायलॉग भी बोल रहे हैं। फिर आगे पुष्पा गुस्से में पूरे चंदन की लकड़ियों का माल फटाफट ट्रक के अंदर लोड करने को कह रहा है। अब ये सीन एग्जैक्टली कहाँ की है, पूरा माजरा क्या है, ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और भी कुछ सीन्स को शूट करते हुए हम टीम को देख सकते हैं। पुष्पा 2 के रिसेंट पोस्टर पर आपने अगर गौर किया होगा तो आपको पुष्पा के बाएं हाथ के लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली का नाखून लंबा दिखेगा और उस पर लाल पॉलिश भी लगाई हुई है। ये बस पोस्टर में ऐसे स्टाइल के लिए नहीं दिखाया गया बल्कि इसका कुछ महत्व है। आंध्र प्रदेश में ये एक निशानी मानी जाती थी धन दौलत और समाज में उच्च स्तर पर होने की। दिहाड़ी मजदूर अपनी मजदूरी से मुक्त हो जाने पर ऐसा नाखून बढ़ाते हैं अपनी अमीरी को दर्शाने के लिए। तो ये पोस्टर हमें हिंट देता है कि पुष्पा मजदूर से अब एक बड़ा स्मगलर बन गया है और वो लाल चंदन की लकड़ियों के सिंडिकेट को चलाने लगा है। पुष्पा 2 रिलीज होगी अगले साल 15 अगस्त को और उसी दिन अजय देवगन की सिंघम 3 यानी कि सिंघम अगेन भी रिलीज होने वाली है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन अपनी रिलीज डेट को पोस्टपोन करता है। आपको क्या लगता है, पुष्पा 2 और सिंघम 3 के क्लैश में किसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। Thank you.